हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल गीत किचन में स्वागत है। आज हम पूरनपोली बनाएंगे। पूरनपोली बहुत ही पॉपुलर महाराष्ट्रन रेसिपी है, ये सभी को बहुत पसंद आती है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। पूरनपोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चने की दाल लिया है। चने की दाल को हम अच्छे से धोकर इसे आधा घंटा के लिए पानी में भिगा के रख देंगे। 200 ग्राम गेहूँ का आटा लेंगे, 75 ग्राम गुड़ लेंगे और 1 टेबल स्पून चीनी लेंगे। इसे आप सिर्फ गुड़ या सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं। डो बनाने के लिए हम आधा ग्लास पानी लेंगे और करीब आधा कप दूध ले लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक लेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब जायफल लेंगे जिसे हम ग्रेट करके पूरन में ऐड करेंगे और 2 से 3 छोटी इलायची का पाउडर ले लेंगे। 1 पिंच दालचीनी का पाउडर लेंगे। आधा घंटा हो चुके हैं, दाल अब अच्छे से भीग गई है। अब इसे हम कुकर में 3 से 4 विसल आने तक के पका लेंगे। जब तक कि दाल पक रही है हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 200 ग्राम गेहूं के आटे में 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम दूध और पानी को ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। दूध और पानी को मिलाकर आटा गूंथने से रोटियाँ बहुत मुलायम बनती है। जब भी आपको पराठे बनाना हो तो आप दूध और पानी को मिलाकर ही आटा गूंथें, इससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आटे को गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी दाल भी अब पककर तैयार है। अब इसका सारा पानी निकाल कर हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। दाल को मैंने मैश करके तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी गरम करेंगे। घी जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें मैश करी हुई दाल को ऐड करेंगे और इसे मिला लेंगे। दाल को अच्छे से मिला लेने के बाद अब इसमें हम गुड़ और चीनी को ऐड करेंगे। गुड़ को हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। गुड़ और चीनी ऐड करने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम में रखना है। गुड़ और चीनी अब पानी छोड़ने लगे हैं। अब इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाने के बाद अब ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। जैसे ही मिक्सचर अच्छा गाढ़ा होने लगे हम इसमें जायफल का पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 छोटी इलायची का पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी ऐड करेंगे। दालचीनी का पाउडर ऑप्शनल है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमारा पूरन बनकर तैयार है। ये काफ़ी ड्राई और थिक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम पूरन पोली बनाएंगे। इसके लिए डो में से एक लोई लेंगे और इसे हाथों से फैलाकर इसके बीच में हम डिप्रेशन बना लेंगे। अब इसमें हम पूरन भरेंगे। पूरन को हम हल्के हाथों से दबाते हुए इसके किनारों को हम उठाएंगे और इसे अच्छे से सील कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। एक पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह हम पहले सारे पेड़ बना लेंगे। अब इसे हम रोल कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और पेड़े को हम हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला या मोटा ना बेलें। एक पेड़े को मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम सेक लेते हैं। इसके लिए हम तवा को मीडियम फ्लेम में गरम करेंगे। तवा जैसे ही हल्का गरम हो जाए हम इसमें पूरन पोली डालेंगे और इसे करीब
8-10 सेकंड के लिए एक तरफ से सेक लेंगे। 8-10 सेकंड के बाद अब इसे हम पलट लेते हैं। जब पूरन पोली में दोनों तरफ हल्के सुनहरे स्पॉट्स दिखाई दे, हम इसके एक साइड में घी लगाएंगे और इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ से अच्छे से सेकने के बाद अब हम दूसरे तरफ भी घी लगाएंगे और इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाते हुए इसे भी सेक लेंगे। जब पूरन पोली में दोनों तरफ अच्छा सुनहरा कलर आ जाए, हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी पूरन पोली को बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी पूरन पोली को बना के मैंने तैयार कर लिया है। हमारी टेस्टी यमी पूरन पोली बनकर तैयार है। इसे आप देसी घी के साथ सर्व करें। इसे ज़रूर बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।